वेलकम टू माय मोस्ट फेवरेट सेक्शन बस्टिंग द मिथ्स। हेलो हैप्पी पेरेंट्स, मैं हूं आपकी पेरेंटिंग कोच दिव्या सुजन और आज हम 5 बेबी केयर मिथ्स का भांडा फोड़ करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बार बार मुंडन करने से बाल घने होते हैं। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मुंडन बेसिकली रिलीजियस पर्पसेस के लिए किया जाता है, बट अदर देन दैट जो बेबी के हेयर का ग्रोथ है या टेक्सचर है, कलर है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन जीन्स। साइंटिफिकली स्पीकिंग हमारे हेयर के अंदर, जो स्कैल्प के अंदर, फिक्स नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं बेस्ड ऑन आर जीन्स, और इसीलिए हम एक्सटर्नली कितने बार भी मुंडन कराएं, हेयर के अंदर, स्कैल्प के अंदर जो फिक्स नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं उसे ना ही हम घटा सकते हैं ना ही हम बढ़ा सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, मुंडन का हेयर ग्रोथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। बट एडिशनली बच्चे का बाल बढ़ाने के लिए हम ऑयल मसाज और हेल्दी खाना, न्यूट्रिशियस फूड दिया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि न्यू बॉर्न बेबी के सर के आसपास पिल्लोस रखने से बच्चे का सर गोल रहेगा। दिस इज नॉट ट्रू। पिल्लोस से स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज को चोकिंग या सफोकेशन का खतरा बना रहता है, इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि 1-8 साल से कम बच्चों के लिए पिल्लोस यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उनका हेड थोड़ा आउट ऑफ शेप लग सकता है, बट इवेंचुअली कुछ महीने बाद वो ऑटोमेटिकली अपने शेप में आ जाएगा। स्पेशली इंडिया में लोगों का ये मानना है कि अगर बच्चा गोल मटोल है तो वो हेल्दी है, और अगर वो पतला है तो बहुत कमज़ोर है, और बड़े होने के बाद जो जीरो साइज है वो हेल्दी है और जो गोल मटोल है वो नहीं। व्हाट लॉजिक इज दिस? और घर पे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एडवाइस करते रहते हैं कि बच्चे को घी पिलाओ, चीज़ खिलाओ और शुगर भर भर के दो। यू नो वॉट, आपके बच्चे के मामले में ट्रस्ट योर पीडियाट्रिशियन ओनली। और मेरे डॉक्टर ने यही एडवाइस किया था कि जब तक बच्चा एक्टिव है वो हेल्दी है, सो जस्ट डोंट वरी एंड बी हैप्पी। बच्चे को अक्सर सर्दी पकड़ लेता है, शायद इसका इम्यूनिटी बहुत कम है। जरूर नहीं है, हेल्दी लोगों को भी सर्दी पकड़ती है। बच्चे को फर्स्ट 6 मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देना इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन देयर इम्यून सिस्टम। जो बच्चे लंबे पैदा होते हैं वो आगे जाके भी लंबे होंगे। बच्चे का हाइट सिर्फ और सिर्फ जीन्स पे डिपेंडेंट होता है। कभी कभी बच्चा लंबा तो पैदा होता है बट आगे जाके उसकी हाइट कम ही रहती है, ऐसा भी हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विशिंग यू अ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री पेरेंटिंग। मिलते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।